हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम्स वाले कुछ क्वेश्चन है बेटा। एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 दोनों एक्सरसाइज के कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड। लेट कर लेंगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लेट। फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इक्वल टू वाई, ये मैं लेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स से हमारी बात चल रही है, यहाँ पर लगी एंड वन नंबर इस थ्री टाइम्स दिए थे नंबर, दैट इज एक्स इक्वल टू थ्री वाई। जो ये एक्स जो लार्जर नंबर है बस मोल का क्या हो जाए थ्री टाइम्स, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में अगर हमने क्या तीन मेथड जो थे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया था, एलिमिनेशन किया था, क्रॉस मेथड भी किया था, तो यहाँ किस मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में हम सेकंड द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट कितने एंगल की, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, द एंगल्स रूट सम इज 180 डिग्री, जिन टू एंगल का सम क्या हो 180 हो। एंड द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस जो लार्जर एंगल है वो स्मॉल से क्या है एक्सिस से, एक्सिस मींस ज्यादा मोर है बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री ज्यादा है, उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहां भी लेट कर लेंगे, लेट कि लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री और स्मॉलर एंगल वाई डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दोनों एंगल कैसे एंगल है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, ये तो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जो लार्जर एंगल है वो एक्सिस से ज्यादा है इससे स्मॉलर से, यानी कि एक्स माइनस वन और इक्वल 18 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, जो तुम्हें इजी लगे जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, टू टाइप्स का चार्जेस दिया है बेटा, एक तो क्या फिक्स्ड चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर, यानी जो हमने डिस्टेंस कवर की है उसके ऊपर कितना डिस्टेंस कवर की है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। 10 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या है 105 है, 15 के लिए क्या है 155 है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, दोनों चार्ज हमें फाइंड आउट करने हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, देखिए टू टाइप्स का चार्ज ये है, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर, तो लेट कर लीजिए लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 10 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या 105 है, तो एक्स पे क्या फिक्स है बेटा एक्स, और इसमें 10 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा 10 वाई, पर किलोमीटर चार्ज है वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई, टोटल चार्ज क्या है 105, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। फिर 15 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या है 155, तो एक्स तो क्या है फिक्स, वाई पर किलोमीटर है 15,
एंड वाई इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई टर्म यहां से आ जाएगी, ये दोनों चार्ज तो हमारे पास आ जाएंगे, फिक्स चार्ज भी आ जाएगा और चार्ज ऊपर का भी। फिर आप ने यहां लिखा कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 25y। और जो एक्स और वाई टर्म दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो 25 किलोमीटर का चार्ज। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लेट कैसे निकलता है, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाय वाई अकॉर्डिंग टू इफ वी ऐड 1 टू इट्स न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर इट रिड्यूस टू 1 इक्वल टू 1। न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करते हैं, यहां पर सबट्रैक्ट करते हैं, इट रिड्यूस टू 1। आगे क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर x एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया इक्वल टू 1/2 इट बिकम्स 1। देखिए बेटा यहाँ ऊपर बस आई थी, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, दैट इज x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। ये तरीके से आ जाएंगे हमारे फर्स्ट। ऐसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल टू वन, इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आने के बाद हमारे फ्रैक्शन आ जाएगी x y का। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फिफ्थ क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय व्हाट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए ऐसे सेम क्वेश्चन हम 8 क्लास में भी कर चुके हैं, बिल्कुल इजी है। अगर टू डिजिट नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये उधर आ जाए टू डिजिट नंबर का, तो ये 4 लाइंस जो आपको बताऊंगा ये स्टार्टिंग में ये 4 लाइंस देना। कौन कौन सी 4 लाइंस होंगी, लेट वंस डिजिट, वंस डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई, नंबर्स क्या रहेगा, नंबर इक्वल एक्स प्लस टेन वाई। देखिए कोई भी नंबर हो गया जैसे ये नंबर है मैंने कहा कि 4 है, तो यहां पर डिजिट क्या बेटा 4 और टेंस डिजिट क्या है 2, तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 2 को किससे करेंगे 10 से, 4 ये डबल नहीं है कि डबल नहीं होगा, यानी वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा नंबर आ जाएगा। अब जैसे 24 है इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 42, यानी जो 1 से और 10 हो जाएगा तो 10 से 1 हो जाएगा, ये नंबर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, या जाएगा y प्लस 10 x, तो जब y जो है 1 हो जाएगा और x 10 हो जाएगा रिवर्स नंबर। ये बेटा चार लाइन है जो कहीं भी टू डिजिट है, जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में था कि एग्जांपल वो भी ऐसे ही है, जैसे हमने फ्रैक्शन बड़ा किया तो ऐसा उसका फ्रैक्शन का भी आपको मिलेगा इससे अलग। तो मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ये 3.3 और 3.4 एक्सेस दोनों के कॉमन है, कुछ सम 3.3 में से है कुछ 3.4 एक्सेस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
sum of the digits of a two digit number is 9. Is it the sum? यानी कि x plus y is equal to 9. ये मल्टीप्लिकेशन क्या जाएगी फर्स्ट. फिर बेटा also 9 also 9 times this number. इस नंबर का 9 times 9 into x plus 10 equal to twice the number of 10 by reversing the opposite. Reversing number not twice. 9 times this number is equal to twice the reversing number. Here we have 9x plus 91 equal to 2y plus 3x. This combination is 9x minus 20x plus 90y minus 2y equal to 9x minus 2 minus 81x or plus 88y equal to 0. यहां से हम minus 11 कॉमन लेंगे. तो बेटा देखिए minus 11 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा plus x हो जाएगा. जो minus y टर्म को plus की हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और जो ये पॉजिटिव निकला हो जाएगी नेगेटिव. यहां जाएगा minus 81 equal to 0. अब ये माइनस ए वन जीरो के पास जाके हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा. तो यहाँ से एक्स माइनस के वाई जीरो ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन तो क्या है एक्स प्लस वाई का तो नाइन. सेकंड है एक्स माइनस ए वाई का जीरो. इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी यानी कि नंबर आ जाएगा एक्स प्लस टेन. ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स. जैसे हमने क्वेश्चन क्या ना बेटा आफ्ताब एंड हिज डॉटर वैसे ये सम है एक प्रीपेंड के सेकंड के एक्सप्रेशन जैकब एंड हिज सन. यहां नंबर और सम है तो थ्री सम तीनों सम मतलब सेम टाइप के हैं. ठीक है देखिए 5 ईयर एगो Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Nuri and Sonu दोनों के एज हमें फाइंड आउट करना है. तो दोनों के एज को हम ऐड कर देंगे. ठीक है बेटा Nuri और Sonu में जैसे वहां आप था तो उसकी डॉटर थी और जो थ्री बैंड थ्री में मैं सब आपको कह रहा हूं जैकब एंड हिज सन या Nuri और Sonu. देखिए सिक्स क्वेश्चन है लेट रिजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स इयर्स. रिजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई इयर्स. फिर यहां दो कंडीशन एक ये माइनस का 5 रिजल्ट प्लस 5. ये क्वेश्चन फर्स्ट.
यहां से x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन सही। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि न्यू वैल्यू सॉल्व हो ये जा जाएगी। ऐसे ही वो जैकब वाला सवाल में ट्राई करते हैं, ये जो इस वीडियो में हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन किए। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और जो हमारा YouTube चैनल है SGS बिलकपुर को सब्सक्राइब करना, और किसी बच्चा कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालना। थैंक यू क्लास।